इसके लिए काफी मेहनत की है। दिस फीलिंग यू कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बुर्ज खलीफा पर T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता है उसको लाइट अप किया गया है। तो ये इंडिया की जो विक्ट्री है इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने ग्रैंडली जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब हिस्ट्री में भी देखा गया है इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर मिलती आ रही है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंडिया जो चाहता है वो कहता है कि हमारे पास हर वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास हो, T20 कोई भी ना जीते, बस हम आए और जीत के चले जाए। जलवा है हमारा। इतना इंतजार तो कोई अपनी महबूबा का नहीं करता जितने कि 140 करोड़ की आवाम अपनी क्रिकेट टीम का कर रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत की टीम को अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय टीम इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि बारबाडोस में आ गया तूफान। क्योंकि भारत की टीम T20 चैंपियन बनी है तो भाई आसमान भी जश्न मनाएगा ना, बारबाडोस से क्यों जाने देंगे। बारबाडोस के बादल भी जश्न मनाएंगे, वो भी घुमड़ घुमड़ के आए और चारों तरफ जल मग्न कर दिया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। जब भारत के चैंपियन बनने पे इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो सकते हैं तो हम तो मामूली से इंसान है, सच्चे हिंदुस्तानी है, हमारे को कितनी खुशी होगी ये मैच जीतने पे, ये ट्रॉफी जीतने पे। और हम हमारे हीरो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ गई। हिंदुस्तान की टीम दिल्ली एयरपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद वो थोड़ी देर होटल में उन्होंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद वो PM से भी मिल चुके हैं और अभी उनकी बस वहां से निकल चुकी है। और इसके बाद एक ग्रैंड प्लान वो होगा मुंबई में मरीन ड्राइव से निकलेगी हमारे हीरोज की बस और वो होगी ओपन बस में बैठ के मुंबई वानखेड़े स्टेडियम तक उनकी शोभा यात्रा आएगी और लाखों हिंदुस्तानी इस शोभा यात्रा के चश्मदीद गवाह बनेंगे। काश मैं भी मुंबई में होता तो मैं भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनता। खैर कोई नहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, हम ऑनलाइन लाइव देख लेंगे जरूर। लेकिन मैं एक बार फिर से हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान की टीम को, हिंदुस्तान के लोगों को बहुत 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 बधाइयां देना चाहता हूँ। 17 साल का इंतजार लगा भैया ये ट्रॉफी उठाने में, कम बात नहीं होती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो क्रिकेट से प्यार करते हैं ना दिलो जान से, वो इस भावनाओं को समझ जाएंगे। और हाँ पाकिस्तानियों, मैं तुमसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सुजी इसी टॉपिक पे पाकिस्तान के आबिद अली कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले उनकी सुन लेते हैं। चलो भाई, इसके ऊपर आबिद भाई से बात करेंगे कि इंडिया वाले किस तरीके से उन्हें वेलकम करेंगे। और लेट्स सपोज आबिद भाई ऑनलाइन ही वेलकम अगर करना हो, यानी ऐसी वीडियो के थ्रू, तो कैसा वेलकम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, ये जो वेलकम की आप बातें कर रहे हैं ना ये तो हिस्ट्री में लिखा जाना है वेलकम। अच्छा, और ये इंडियन टीम को एक दो दिन पहले ही इंडिया आ जाना चाहिए था। एक्चुअली उधर एक समुद्र तूफान का सिलसिला शुरू हो गया, मौसम के हालात बेहतर नहीं थे जिसकी वजह से वो टीम लेट हो गई। ठीक है, लेकिन मैं इधर क्रेडिट देना चाहूंगा इंडियन वजीर आजम को, जो खुद क्रिकेट लवर हैं। ठीक है, उनके एक फोन कॉल के ऊपर पावर इसे कहते हैं, उनके एक फोन कॉल के ऊपर टीम के लिए एक स्पेशल प्लेन, स्पेशल जेट जो है ना वो तैयार किया गया, उसमें जो है वो क्रिकेट टीम जो है पूरी इंडिया पहुंचेगी। इधर एक चीज ये कहना चाहूंगा, हर चीज में ना ऐसे बढ़ा चढ़ा के मेरे ख्याल से बात करते हैं, पावर क्या मतलब, लेट्स बोल पाकिस्तानी टीम भी होती है उसके लिए भी स्पेशल जेट। मैं इस बात नहीं करना चाह रहा, उनके लिए स्पेशल नहीं होता, बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़े मामला होते हैं। अच्छा, जो बात कर रहा हूँ उसे गौर से समझिए। देखें अब उन्हें प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं कि उनके वज़ीरे आज़म में ये पावर थी जिन्होंने स्पेशल प्लेन करवाया और स्पेशल प्लेन में वो हिंदुस्तान सुबह पहुंच जाएंगे या जिस टाइम भी वो पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ आपको ये पता है कि उनके साथ किसी की लॉटरी भी लग गई है, उसमें 20 जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, मशहूर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट जिन्हें कहा जाता है वो भी मशहूर हैं, तो वो उस टीम के साथ जो है एंजॉय करते आएंगे। अच्छा, उन्हें उनका लक चेक करें कि उनकी गुड लक क्या है और उनकी जिंदगी का लक क्या है कि चैंपियंस के साथ सफर कर रहे हैं और काफी घंटों का सफर है, 16 या 20 घंटे का सफर होता है ये, तो 20 घंटे चैंपियंस के साथ वो गुजारेंगे। और जब वो इंडिया आएंगे ना तो इंडिया आके उनकी अलग बात होगी, एक वो भी स्टार बने होंगे, वो भी स्टार बन जाएंगे। मैंने विराट कोहली से ये बात की, मैंने फलां से ये बात की, मैंने कप्तान से ये बात की, ऐसे मामलात भी होंगे। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम को इनामात की बारिश हो रही है, वो तो सर्व होनी भी चाहिए। और पाकिस्तानी प्राइज में मैं अपने पाकिस्तानी ऑडियंस को बताना चाहूंगा,
तकरीबन 500 करोड़ बनता है पाकिस्तानी, जो उन्हें उनके वजीर आजम ने या उनके लोगों ने ऐलान किया। इसमें आईसीसी ने तकरीबन 70-80 करोड़ पाकिस्तानी 70-80 करोड़ का अनाउंस किया है और 425 करोड़ के राउंड अबाउट जो है वो उनके बीसीसीआई जो उनका क्रिकेट बोर्ड है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने 500 करोड़ से भी ज्यादा की गेम है और आपको पता ही 500 करोड़ से ज्यादा की गेम ये कितने होते हैं। ये इतने होते हैं कि पाकिस्तान की आईएमएफ की एक महीने की किस्त भी उतर जाती है, उनके इनाम इतने ज्यादा है कि एक महीने की किस्त भी आप आई एम एफ का मतलब अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता था तो एक महीने की किस्त हम कम से कम उतार सकते थे, इतने पैसे आ जाने। आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात जीता होता तो आबिद अली भाई, शोएब चौधरी भाई ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान टीम इतना पैसा जीत जाती तो पाकिस्तान के पास में भी इतना पैसा आ जाता। इन पाकिस्तानियों को इतनी तो अकल होनी चाहिए। बीसीसीआई पैसा दे रही है तो बीसीसीआई किसका बोर्ड है? हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के जीतने पे दे रही है, पाकिस्तान के जीतने पे बीसीसीआई पैसे क्यों देगा? फटीचर हो, हर जगह बस पैसे में आंख मारते रहते हो, कभी लॉजिकल बातें कर लिया करो। तुमको पीसीबी देगा और पीसीबी को देता आईसीसी, और तुम्हारे मुल्क के पास इतनी इनकम है नहीं कि वो तुम्हें अलग से पैसे दे दे। तुम्हारे पीसीएल को कोई देखता नहीं है, वहां से कोई इनकम जनरेट होती नहीं है, जो थोड़ी बहुत होती है वो वहीं खर्च हो जाती है। तो तुम्हारा मुल्क भी भूखा कंगला है, तुम्हारी सोच भी भूखी कंगली है और तुम खुद भी यार कैसी कैसी बातें करते, इतने समझदार आदमी हो गए। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त आमना आदिल मौजूद है जो कि बहुत अच्छा जो है क्रिकेट के ऊपर बात करती है, क्रिकेट को समझती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि टीम इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और उनका बहुत वार्मली वेलकम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी, एमएस धोनी ने उनको मुबारकबाद दी, बीसीसीआई ने 125 करोड़ इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपये में बात करें तो 400 करोड़ के पार की बात है। तो क्या कहेंगे, कितना दिलकश नज़ारे हैं और इंडियन लोग, आज 3 दिन हो गया वर्ल्ड कप ख़त्म हुए को, लेकिन उनकी खुशी है कि फूले नहीं समा रही। पहली बात तो यह है कि काश जो है ये खुशी हम भी देखते और हम भी जाते पाकिस्तानी टीम को इस तरह से रिसीव करने, लेकिन चले कोई बात नहीं, इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है और इंडिया की भी हमें उतनी ही खुशी है जितनी हमें अगर पाकिस्तान जीतता तो होती। छुट्टी, आई एम स्टिल पिंचिंग माई सेल्फ कि यार ये वाकई में हो गया है। रोहित शर्मा ने जो इतने अरसे से मेहनत की, विराट कोहली ने जो इतने अरसे से मेहनत की, हार्दिक पांड्या की आंखों में जो आंसू थे वो बता रहे थे कि भाई वी हैव फाइनली अकम्पलिश्ड, वी हैव फाइनली डन इट, वी हैव फाइनली वॉन इट। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक टाइम था कि ओडीआई के वर्ल्ड कप के ऊपर इन्होंने पैर रखे थे और यही वो वर्ल्ड कप है T20 का वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता है। और ये लोग ऐसे हैं जैसे ये लोग जमीन पर पैर नहीं रखते, ये डायरेक्ट आसमान के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। तो वो कहते ना मेरे पैर ने जमीन उत्ते लगते, तो वो वाला हिसाब किया हुआ इंडिया ने। इंडिया इज सो हैप्पी और ये चीज बताती है कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है। वैसे तो ये आमना बड़ी तारीफें कर रही है आज हिंदुस्तान की, लेकिन एक समय आज से 2-3 साल पहले अगर पीछे आप चले जाते हो तो ये आमना है कि हिंदुस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोग्राम बनाती थी, हिंदुस्तानियों से नफरत के प्रोग्राम बनाती थी, खासतौर से आरएसएस हिंदुओं को जम के गालियां देती थी। मैं आपको वीडियो इसके दिखाऊंगा कभी कभी, इसके ऊपर प्रोग्राम बनाऊंगा, तो हालांकि एक दो वीडियो में पहले बना चुका हूँ आज से 2-3 साल पहले, लेकिन आज हिंदुस्तान की तारीफ पड़ती है क्योंकि पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का। सर अगर हम दुबई की बात करें स्पेसिफिकली और इंडिया की बात करें तो ये दोनों कंट्रीज आपस में बहुत ज्यादा करीब है, इंडिपेंडेंस डे हो, जैसे क्रिकेट हो, स्पोर्ट हो, और शाहरुख खान की तो बात ही ना करें ना, वो तो दुबई के एम्बेसडर है, वो उनको तो जैसे कहते हैं ना किंग जैसा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो ये इंडिया की जो विक्ट्री है इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने ग्रैंडली जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, जबकि आज 4 दिन हो गए हैं इंडिया को वर्ल्ड कप विन किए हुए। जी इंडिया की आप अगर देखा जाए तो उनकी रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और जिस तरह आपने बुर्ज खलीफा पे वो लाइट अप करने की बात की, तो एक तो वो शाहरुख खान जो है वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, आपको पता है, और बाकी सबको भी पता है। और पाकिस्तान की इमेज इतनी अच्छी नहीं है, और मतलब हमारे दुबई में नहीं अच्छी, ओवरऑल ही नहीं अच्छी हो रही, ओवरऑल ही नहीं अच्छी है। मतलब जितने भी हम अगर बाहर के कंट्रीज में बात की जाए तो जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी वो रेपुटेशन नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर, या जो इंडियन पासपोर्ट की है, ठीक है। अगर हम अपने इंडिपेंडेंस डे की बात की जाए तो उसका भी कभी हमने नहीं सुना कि वो बुर्ज खलीफा के ऊपर वो लाइट अप हुआ हो, हालांकि हमारे जो दुबई और सऊदीया के साथ जो ताल्लुकात हैं पिछले भाई भाई हैं वो भाई भाई वाले ताल्लुकात हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, जबकि जो इंडिया वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ जो मुसलमानों के साथ होता है वो सबको ही पता है, जो वो तशद्दुद करते हैं और वो जो हिंदू करते हैं। लाइट अप बुर्ज खलीफा पे डेफिनेटली किया होगा क्योंकि हिस्ट्री में भी देखा गया है इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर मिलती आ रही है। पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया और इंडिया का लहराया गया 14 अगस्त में, और 2021 में जब आईपीएल जीता है कोलकाता
नहीं वो अब हुआ, वो 2021 में वर्ल्ड कप था वो जी, वो तब भी किया गया, तो अभी डेफिनेटली वो किया गया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को, जैसे कि सुनने में आता है वर्ल्ड कप में भी ICC ने फेवर दिया इंडिया को, क्यों? आपने अपने आसपास में ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे जो हार जाने पे या फेल हो जाने पे इल्जाम दूसरों को लगाते, अपनी गलती नहीं मानते। ऐसे ही 99% पाकिस्तानी लोग ऐसे ही है। ICCI फेवर करता, अरे ICCI चलो मान लिए, तुम्हारी मान ली कि फेवर करते, लेकिन मैदान में तो जाके खुद खेलना पड़ता है। अबे नल्लो, USA की टीम से हार गए तुम, वहां पर ICC ने कौन सा फेवर कर दिया? मतलब बेसिर बेपैर की अगर आपको बातें सुननी हो ना, तो इन पाकिस्तानियों का जाहिल लॉजिक सुन लिया करो। इसी में ही आनंद है। आनंद क्या, परमानंद है, चरमानंद है, देवानंद है, सुखानंद है, जितने भी नंद है सब इन पाकिस्तानियों की जालत में है। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? बढ़िया था गुरु। कमेंट सेक्शन आपका, आप भी इन पाकिस्तानियों को रगड़ा लगाइए, रगड़ा रगड़ा रगड़ा। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।